भाई जनरली स्टूडियो का टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे हम 22 के, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने के टू मेथड्स होते हैं, एक फैक्टर ट्री मेथड और एक बाय डिवीजन मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बाय डिवीजन मेथड कर लेते हैं, फिर हम फैक्टर ट्री मेथड से प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो 22 का यहाँ पे लिखा है, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम प्राइम फैक्टर स्टार्ट करते हैं फाइंड आउट करना, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे लीस्ट नंबर से स्टार्ट करें। तो हम यहाँ पे 2 ले सकते हैं कि नहीं? अगर तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम यहाँ पे 2 ले सकते हैं। तो ऐसे ये नंबर 2 से डिवाइड होता है कैसे? 2 के टेबल में 2 आता है 1 ज़ार, 2 के टेबल में 2 आ गया 1 ज़ार, ठीक है। तो हम ये यहाँ पे 2 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? तो 2 के टेबल में 11 नहीं आता, 3 के टेबल में भी 11 नहीं आता, 5 के टेबल में भी 11 नहीं आता, 7 के टेबल में भी 11 नहीं आता। 11 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन सा होता है? ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आता है, ठीक है। ऐसा नंबर जिसके फैक्टर सिर्फ 2 होते हैं, मतलब एक ये 1 के टेबल में आ रहा होता है और वो अपने टेबल में आ रहा होता है। तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं, वो किसी और के टेबल में नहीं आता, वो अपने टेबल में आता है। तो 11 ही ले लेंगे, 11 वन जाए 11 आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 22 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है। और अब बाय फैक्टर ट्री मेथड कर लेते हैं फाइंड आउट इसके प्राइम फैक्टर्स। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो है सबसे पहले इस नंबर को लिख लेंगे टॉप मोस्ट पे। फिर हम लोगों ने इसको देखना है, ये कंपोजिट नंबर है ना, कंपोजिट नंबर कैसे? इसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हैं, ऐसा नंबर कंपोजिट नंबर होता है। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है ये, और ये आता है 11 के टेबल में, और देन 22 अपने टेबल में। तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं ना, तो उसका क्या मतलब, ये कंपोजिट नंबर है, ये सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट किस में होगा? ये हम यहाँ पे 2 ले सकते हैं, तो यस 2 के टेबल में 22 आता है 11 ज़ार। तो हम छोटा नंबर यहाँ पे लिखते हैं, बड़ा यहाँ पे लिखते हैं, 2 11 ज़ार 22 होता है, सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन आ गया। अब ना तो फर्दर ये सेपरेट होता है, ना तो ये होता है, क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर कौन सा होता है? जो अपने टेबल में आता है। तो 2 भी सिर्फ अपने टेबल और 1 के टेबल में आता है, और 11 भी 1 और अपने टेबल 11 में ही आता है। तो इसलिए दोनों फर्दर सेपरेट नहीं होंगे, दोनों ही प्राइम नंबर हैं। तो हम यहाँ पे आगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ तक ही आएगा। और यहाँ पे लिख लेते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 22 इज इक्वल टू, 22 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 11। तो हमने जब बाय डिवीजन मेथड किया तब भी 2 और 11 आए, और जब हमने फैक्टर ट्री मेथड किया तब भी यही 2 फैक्टर्स आए। हमारे पास आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, दोनों तरह। बस ये है कि जब बाय डिवीजन मेथड आपको कहा जाए प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने को, तो आपने ये करना है, और अगर बाय फैक्टर ट्री मेथड कहा जाए तो इस तरह करना है, ठीक है। और बहुत से सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको एलसीएम कहते हैं, एलसीएम नहीं है ये। हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हम लोग इस तरह फाइंड आउट करते हैं, ये बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है। ये एलसीएम नहीं है। एलसीएम तो वो होता है जब 2 नंबर्स हैं, ठीक है, तो उनका हम लोग इस तरह फाइंड आउट कर रहे हैं। देन जो है 2 नंबर्स का जब हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं, वो एलसीएम आता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। वो फिर एलसीएम भी के भी 2 मेथड्स होते हैं, एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो ये एलसीएम नहीं, ये बाय ये प्राइम फैक्टर्स होते हैं कि हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, ओके। होप्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।